I'll talk. I'll give you certain facts and figures of school education in rural India. So there's this report called ACER, which is Annual Status Education Report by Pratham. So there are certain good things to acknowledge, but there are certain concerns as well. Now the enrollment level, it seems, has gone up since 2010 to 2022. So it has gone up from 96.6% in 2010 to 96.7 in 2014 to 97.2 in 2018 to 98.4 in 2022, which means ये 96.6% in 2010 से 98.4% in 2022 बड़ा है, which means people are getting enrolled in schools, which is a good sign for India. And in all the states in general, there has been rise in government school enrollment, which means in rural India. So बहुत बच्चे अभी government schools में enroll हो रहे हैं. So since 2018 to 2022, the numbers have gone up, which is a good sign. But there are certain concerns also. So in 2022, as per the ESSER report, only 25% of all children in grade 3 were at grade level. अब बिफोर गेटिंग इन टू दिस, आई विल जस्ट टेल यू वॉट इज ग्रेड लेवल. ग्रेड लेवल का मतलब यह है, सपोज फॉर एग्जाम्पल ग्रेड 2 में एक बच्चा है, उसके हिसाब से अगर ग्रेड 2 वो ख़त्म करता है या करती है, इसका मतलब यह है कि इन मैथ्स दिस चाइल्ड मस्ट डू दी बेसिक ऑपरेशन लाइक एडिशन और सब्स्ट्रैक्शन. इसका मतलब ग्रेड टू कंप्लीशन है. लेकिन दी रिपोर्ट सेज ओनली 25% इन ग्रेड 3 कैन डू एडिशन एंड सब्स्ट्रैक्शन ऑफ ग्रेड 2, विच मीन्स एनरोलमेंट हो रहा है, बढ़ रहे हैं बच्चे, ग्रेड भी बढ़ रहा है, लेकिन उनका जो ग्रेड के हिसाब से उनको जो ज्ञान चाहिए वो उनके पास है नहीं. सो विच इज कॉल्ड ग्रेड लेवल. सिमिलरली ओनली 20% आर एट ग्रेड लेवल इन रीडिंग, विच मीन्स जैसे ग्रेड 2 में स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू एबल टू रीड सम टेक्स्ट फ्लुएंटली, जो वो चाहे कोई भी लैंग्वेज में हो, लेकिन ओनली 20% पढ़ पाते हैं. सो विच इज नॉट अ वेरी गुड साइन. सो एंड इन फैक्ट द पेंडेमिक हैज मेड द सिचुएशन वर्स इन मेनी स्टेट्स. द नंबर आई एम गिविंग इज फॉर द एंटायर ओडिशा. इट माइट फ्लक्चुएट कंसिडरिंग डिफरेंट स्टेट्स, किसी में ज़्यादा होगा, कोई स्टेट्स में कम होगा, बट इन जनरल दिस इज द थिंग. आई विल गिव यू द लिंक ऑफ द रिपोर्ट इन डिटेल. बट टू